यहाँ पे ना दुनिया के साथ अजूबे हैं। गाइस ये जो गोला है ना ये दूसरी दुनिया से आया था, तो ऊपर से गिर के टूट गया, अब अंदर से मरम्मत चल रही है इसकी। इसमें भी पता है क्या प्राइस है, 150 रुपीज पर पर्सन। और शाम के टाइम अगर आप इसमें राइड करोगे ना, शाम के टाइम ये ज्यादा चलता है, शाम के टाइम भीड़ होती है, बोटिंग होती है, हर तरफ से साइकिल चलाते हैं, इसमें भी शाम के टाइम ही ज्यादातर लोग चलते हैं, लाइटिंग ये सब ये होती है, तो 150 रुपये इसमें भी जा सकते हो। सब कुछ चीप प्राइस में मिलेगा आपको, यहाँ पे मिल रहा है खाना पीना, लेकिन क्या खाऊं मैं क्या पीऊं मैं, बेलपुरी से थोड़ी ना पेट भरेगा, तो कुछ देखते हैं ढंग का देखते हैं सामने। तो गाइस एक चीज तो मैं आपको बोलना भूल ही गया भाई, यहाँ पे ना दुनिया के 7 अजूबे हैं, इको पार्क में दुनिया के 7 अजूबे भी है, 7 वंडर्स। तो उसके लिए वहां से जाना पड़ेगा, सब कुछ दिखाएंगे। फिलहाल यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी फूड कोर्ट है, देखिए 7 वंडर्स दिस वे, मैं आपको बोलना भूल ही गया था ब्रो। तो फूड मैंने आपको बोला हर तरह से मिलेगा, यहाँ पे भी मिल रहा है। गाइस मुझे लगता है पहले कुछ खाते हैं फिर जाते हैं आगे की तरफ, है ना, क्योंकि खाना जरूरी है ब्रो। तो ये देखो मित्रों, ये आज का वेज फ्राइड राइस, ठीक है, और विद कोक। खाते हैं फिर मिलते हैं आपसे। तो गाइस फाइनली फ्राइड राइस खा लिया मैंने, अब पेट भर गया, अब बताओ कहाँ पे जाना है मुझे। अब घूमेंगे हम इको पार्क अच्छे से, क्योंकि अब भूख तो नहीं लगेगी, भूख की वजह से ना पता नहीं क्या हालत हो जाती है ब्रो। पहले हम यहाँ से भी कोई जगह देखने के लिए पहले हम सीधे जाते हैं, सीधे देखते हैं पहले क्या है भाई। यहाँ पे देखो कितनी मस्त हट बना दी गई है भाई, यहाँ पे मैं एक नाइट स्पेंड करता, लेकिन करने कहाँ देंगे ब्रो। इसका नाम है यहाँ पे आर्टिस्ट्स कॉटेज, सही है ना। एप्पल्स के पेड़ आपने देखे होंगे, लेकिन एप्पल्स का डस्ट भी नहीं देखा होगा, ये देखो। अच्छा यहाँ से म्यूजिकल फाउंटेन, मुझे नहीं लगता वो अभी होगा, वो शाम के टाइम होगा यहाँ पे। चले जाते फिलहाल आगे की तरफ, फिर देखते हैं और क्या सीन रहेगा आगे, क्या क्या होगा देखने के लिए। गड्डी आ रही है, गड्डी मुझे लगता है इसमें भी आप घूम सकते हो शायद। फूड कैफे यहाँ पे हर तरफ से, यहाँ पे वाव मोमोज है, ये क्या है, या मोमो, वाव मोमो, हो मोमो, ये मोमो, मोमो मोमो, ठीक है। ये देखो कहाँ पे कैफे है, मस्त जगह है ना भाई। मैं यहाँ पे कैफे लेता, फिर आप लोग जो भी सब्सक्राइबर आता उसको फ्री में खाना खिलाता। और यहाँ पे देखो क्या डिज़ाइन है, बंगाल विलेज। हाँ यहाँ पे देखो ब्रो, यहाँ पे पानी के बीच में आइलैंड टाइप बना हुआ है, और वहाँ पे देखो डिज़ाइन क्या किया गया है, डियर होते हैं ना वो हिरन, ये देखो कितना मस्त है भाई। सामने से तो मस्त लग रहा है, मुझे नहीं पता आपको वीडियो में कैसा क्या दिख रहा होगा। गाइज लुक एट दिस, यहाँ पे एक और आइलैंड टाइप बना हुआ है जहाँ पे पीकॉक बनाया गया है भाई, क्या कलाकार है यहाँ पे, हाँ देसी कलाकार। ये किसका है ये मुझे नहीं पता। गाइज यहाँ पे है दमसा ट्राइबल किचन, लेकिन अभी ये बंद है यहाँ पे ट्राइबल किचन, मैं सोच रहा वहाँ पे जाएंगे। चलिए कोई नहीं, फिलहाल हम आगे ही चलते और देखते यहाँ से क्या क्या होगा। फिलहाल तो मैं थक गया भाई इको पार्क घूम घूम के, अभी मैंने आधी इको पार्क भी नहीं देखी है और मैं पूरा थक गया। यहाँ पे भी कुछ है देखना पड़ेगा, क्या है इतनी बड़ी बॉल, एक गोला कहाँ से आया। तो गाइस ये जो गोला है ना ये दूसरी दुनिया से आया था, तो ऊपर से गिर के टूट गया, अब अंदर से मरम्मत चल रही है इसकी, तो मतलब अभी भी वहाँ पे नहीं जा सकते, पता नहीं यहाँ पे क्या बनने वाला है। देखते हैं किसी साल में आएंगे कोलकाता, उस टाइम देखते हैं। फिलहाल बाहर से देखिए, सब लोग बाहर से फ़ोटो खींच रहे हैं, जब ये तैयार होगा तो अंदर से भी फ़ोटो उठाएंगे। तो गाइज यहाँ पे ना क्या है, यहाँ पे हर्बल गार्डन भी है, यहाँ पे इस्टेब्लिश्ड इन 2015 बाई इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट आयुर्वेदिक एजुकेशन एंड रिसर्च हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल। तो जाते हैं वहाँ पे, हमको क्या करना है, हमको तो वीडियो पार्ट्स में बनाना ही बनाना है, तो जाते हैं वहाँ पे, देखते हैं वहाँ पे क्या क्या होगा, ठीक है। तो मित्रों मैं पहुंच चुका हूं फाइनली इको पार्क के एंड पे, ये देखिए ये रहा यहां पे इको पार्क का एंड, यहां से ये रोड जाता है जहां का मैंने व्लॉग चढ़ा है, वहां से पूरा व्यू आता है। और एक भाई का कहना था अंदर से ज़्यादा बाहर से इको पार्क का व्यू अच्छा आता है, तो उसका व्लॉग मैंने इससे पहले चढ़ा है, अगर किसी ने नहीं देखा होगा तो देखिए। पे इको पार्क का एंड नहीं होता, यहां पे ये रोड आता है, ठीक है। अभी मुझे लगता है 40 या 50% तक मैंने अभी इको पार्क देखी होगी, अभी 50% पेंडिंग है, तो वो अब घुमाते हैं आपको। मतलब मैं बाहर बाहर से जो कि पानी के साथ साथ जो ये रोड जाता था वहीं से घूमा, अभी अंदर से घूमना है मुझे, देखते अंदर से क्या होगा ब्रो। चले अभी हमको जाना है पहले हर्बल गार्डन के, क्या है यहाँ पे, वहीं पर जाते हैं।
तो मित्रों ये देखो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है वेलकम टू वेटलैंड्स ऑफ इको पार्क। यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है ब्लैक बिटर्न, रेड वेटलर्ड लैपविंग, लिटिल क्रीबा, ये सब जानवर आपको देखने को मिल सकते हैं, ये सब बर्ड्स। हाँ चलिए आप जाते हैं हम हर्बल गार्डन, हर्बल के नाल विच गार्डन। हाँ गार्डन में भी देखते हैं जल्दी जल्दी से यहाँ पे क्या होगा। यहाँ पे है पहले मैं आपको बता दूँ जम्बर नींबू, अच्छा यहाँ पे हर्बल चीज़ है ये देखो, नेम गरिता कुमारी, ओ भाई नेम अकरकारा बेड, अच्छा यहाँ पे लिखा है डू नॉट टच। यहाँ पे उल्टा कंबल, उल्टा कंबल ठीक है, बकुची कलमर्ग। तो हाँ ये है नेम पार्क, यहाँ पे नेम दतुरा। तो अगर मैं सबका नाम पढ़ने लगाना तो वीडियो ना इसी पे बनेगा भाई, नाम पढ़ने में ही, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही बड़ी पार्क बना दी गई है जहाँ पे हर्बल ये सब है। अब सब लोग तो यहाँ पे नहीं देखते ना, यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठने के लिए भी आते हैं। तो अगर किसी को इंटरेस्ट है वो मुझे बोलिए, मैं आपको अच्छे से यहाँ का वो बताता हूँ क्या क्या यहाँ पे कौन कौन से पौधे हैं। ये देखो नीम अलरका ठीक है, बाकी आप पढ़ लेना, उसको पढ़ना होगा। यहाँ पे तो यही है हर तरफ से, ये पूरा घूम के आना पड़ता है फिर वापस यहीं पे पहुँचते हैं। ओ भाई साहब ये कौन सी बोट आई है यहाँ पे, भाई दूर से तो ये ब्लैक कलर की है, डाकों की बोट लगती है। ये देखो बोट क्या है, मस्त है ना, पता नहीं इसमें चढ़ सकते या नहीं चढ़ सकते, लेकिन इसमें ना अलग एक्सपीरियंस होगा मुझे लगता है। ये पूरा वुडन की ही है ये देखो, लेकिन ब्लैक कलर की डाकों की बोट लग रही है। बाकी ये देखिए ये रहा यहाँ पे आइलैंड जिसके बारे में आपको बता रहा था, पता नहीं इसका क्या ऐसे नाम है। तो मेन रोड से आप आ सकते हो, ये देखिए ये रहा ब्रिज, वहाँ से आप एंटर कर सकते हो आइलैंड में, वहाँ पे आप नाइट स्टे कर सकते हो, रिजॉर्ट है वहाँ पे। गाइस अब मेरे को समझ आया यहाँ पे इतने सारे लोग साइकिल्स क्यों चलाते हैं, पार्क ना बहुत ही बड़ी है, पैदल चलना एक दिन में यहाँ पे बहुत ही मुश्किल है ठीक है। तो लेकिन मुझे जाना ही पड़ेगा, ब्लॉग कम्प्लीट करना है, तो इसलिए यहाँ पे सब लोग यहाँ पे साइकिल राइड सब करते हैं ताकि पार्क घूम सके अच्छे से। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे गारंटी दूंगा, जब भी आप इको पार्क आएंगे ना यहाँ पे आप बोर नहीं होंगे भाई। पार्क ना हर किसी मोड पे कदम कदम पे यहाँ पे कुछ ना कुछ एडवेंचर, कुछ ना कुछ एक्टिविटी, कुछ ना कुछ स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स का छोड़ो एक्टिविटी का छोड़ो, खासकर सुकून भी यहाँ पे है ठीक है। सुकून भी है, एक्टिविटी है, साइकिल राइड कर सकते हो, टॉय ट्रेन चला सकते हो, वाटर रिजॉर्विंग पता नहीं क्या क्या, बोटिंग हुआ, कुछ भी हुआ ना यहाँ पे आप कर सकते हो, यहाँ पे बोर नहीं होंगे आप। और ख़ासकर जो सुकून की बात मैं कर रहा था, यहाँ पे बैठ के आप आगे से नज़ारा देख सकते हो, पूरा व्यू दिखेगा सामने से, पेड़ पौधे ये सब ग्रीनरी भी यहाँ पे अच्छी खासी है, और सामने से देखे पहाड़ी, यहाँ पे बैठे चेयर पे और एंजॉय कीजिए व्यू। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग अभी बोटिंग ये सब कर रहे हैं, क्रूज आ रही है वहाँ से, और ये देखो हाउस बोट, और सामने से देखे शहर का व्यू, और ये है यहाँ पे वैक्स म्यूजियम। ये पूरी यहाँ से मैं उधर से घूम के आया, गेटमर वन से मैं घूम के आया, ये देखो कितना चला मैं इधर से, पूरा घूम के आया मैं यहाँ तक, आप खुद सोच सकते हो मैं कितना ज़्यादा थक चुका। ये आ गई जी रेलगाड़ी, छिक 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 रेलगाड़ी, छिक छिक छिक, इसमें भी आप चढ़ सकते हो। तो मैंने बोला ना कदम कदम पे यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा ही मिलेगा। देखो दो कदम चला मैं और यहाँ पे आ गया बंगाल विलेज, बंगाल पहुँचा मैं, चलो बंगाल जाते हैं, 10 रुपये टिकट बंगाल के लिए। ये देखो पहले बाहर से व्यू कितना मस्त, भाई क्रूज आ गई क्रूज, ये देखो कितनी सारी फैमिली है यहाँ पे, चाय पी रहे, चाय बोले तो चाय, खाली 150 रुपया आप यहाँ पे एंजॉय कर सकते हो क्रूज में। चलो मित्रों इको पार्क बहुत घूम लिया, आप जाते हैं बंगाल, बंगाल विलेज। सजन रे पास तो आना ना, कभी मुझे छोड़ के जाना, ओ मेरे तू आशिक रहना, आशिक रहना, ओ सजन रे।